तो दोस्तों अभी बॉलीवुड की बात की जाए और बॉलीवुड खबरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो बात चल रही है वो यही है कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हो चुका है। उन पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगा है। इसी को लेकर एनसीबी ने एक क्रूज पर छापेमारी की थी और इस क्रूज पर छापेमारी करने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई क्योंकि इस क्रूज पर तमाम तरह के ड्रग्स मिले थे। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, कैश भी मिला था। और इन्हीं लोगों में से एक इंसान थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। आर्यन खान को भी पकड़ लिया गया। अब आर्यन खान की जो खबर है वो तो चल ही रही है। आप भी जानते हैं कि एनसीबी की रेड के बाद से ही आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई। आज 8वां 9वां दिन हो चुका है इस पूरे केस को चलते हुए। आर्यन खान को किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं मिली है अभी तक। आज भी उनकी बेल पर कार्यवाही जो है वो हो रही है, सुनवाई हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर जो दूसरी बॉलीवुड के गलियारे से आ रही है वो ये कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी अब मुश्किलों में पड़ती दिख रही है। दरअसल उनके घर पे भी रेड बजी है और उनके साथ भी एक ऐसा मसला सामने आ रहा है जो काफी चौंकाने वाला है। तो आर्यन खान की तो बात चली रही थी, अब नोरा फतेही की बात भी चलने लगी है। आपको बता दें जहां आर्यन खान को लेकर एनसीबी ने छापेमारी की थी, एनसीबी का एक्शन लिया गया था, वहां नोरा फतेही के केस में ईडी ने जो है अपनी कार्रवाई की है। दरअसल आपको मैं बता देता हूं ये पूरा मसला क्या है। एनसीबी ने जो आर्यन के साथ काम किया या उनके साथ जो उन्होंने कार्रवाई की वो ड्रग से रिलेटेड काम किया था, लेकिन जो ईडी कर रही है ये बेसिकली पैसों को लेकर जो धोखाधड़ी हुई है इसको लेकर हो रही है। और इस पे नोरा फतेही पे ये इल्जाम लगा है कि इन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। अब 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी के चक्कर में ही इनके घर पर ईडी ने छापा मारा है, इनसे पूछताछ की जा रही है और सच जानने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें कि नोरा फतेही अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। इनके साथ जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि सेम केस में उनका नाम भी सामने आया है। इसको मैं अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊं तो एक राकेश नाम के पर्सन है, उनका अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं और उन्होंने ही इन दोनों एक्ट्रेसेस के नाम लिए हैं। अब ये पूरा माजरा क्या है, पूरा केस क्या है, इसको अभी समझने में और इस पर पूरी तहकीकात करने में समय लगेगा, उसके बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो यही है कि अब आर्यन के बाद नोरा भी फंसती हुई दिख रही है और नोरा के ऊपर 200 करोड़ रुपए की हेरफेर करने का इल्जाम लगा है। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।